मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में दिए भाषण का ऑडियो इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी में उथल पुथल मचाते दिख रहा है, जिसके विरोध में अब कांग्रेस के पदाधिकारी सड़कों पर उतरे हैं और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान विधायकों सहित कांग्रेस के पदाधिकारीगण कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट को ज्ञापन सौंपा है। मीडिया से रूबरू हुई विधायक झुमा सोलंकी ने बताया कि शिवराज सिंह के इस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर नियमानुसार उचित दंडात्मक कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति न की जा सके। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उक्त कृत्य के लिए सरकार गिराए जाने की बात भी बताई। खरगोन से जितिवारी की रिपोर्ट। क्या है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशों पे जिला कांग्रेस की ओर से ये ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने एक निर्देशित किया कि पूर्व में कार्यक्रम में एक इंदौर में आयोजित हुआ, जिसमें शिवराज सिंह जी ने स्पष्ट किया कि सरकार कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए केंद्र के आदेश पे और सिंधिया जी और तुलसी सिलावट जी के सहयोग से गिराई गई। यदि उनका सहयोग नहीं होता तो ये सरकार नहीं थी। तो माननीय हमारे कमलनाथ जी ने बोला कि ज्ञापन दीजिए, यदि इस तरह के साजिश के तहत प्रजातांत्रिक राज्य की जनता से चुनी हुई सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र यदि करते हैं तो निश्चित ही संविधान के नियमों के विरुद्ध हैं। इनके प्रति हमारा आक्रोश है। महामहिम के नाम से हमने ये ज्ञापन दिया है और मांग की जांच की जाए और इस तरह के षड्यंत्रकारियों को यदि करके और सरकार बनाई है तो निश्चित ही उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। राजस्थान में सरकार बिल्कुल ये स्पष्ट किया है, शिवराज सिंह जी ने स्पष्ट किया है, इसका ऑडियो वीडियो चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, स्पष्ट किया है कि केंद्र के इशारों पे ही सरकार गिराई गई। राजस्थान में जिस तरह से अभी कांग्रेसियों विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, क्या लग रहा है उसको लेकर? बिल्कुल जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में कोशिश की वही कोशिश इनकी वहाँ भी चल रही है राजस्थान में, पर राजस्थान में वो सफल होने वाले नहीं है। वहाँ के हमारे सारे विधायकों को हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने उनके संरक्षण में हैं, उनके साथ हैं और सब मिल के राज्यसभा का चुनाव अच्छे से कराएंगे। वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो बाकायदा जीतेंगे, प्रयास जो कर रहे हैं वो असफल होंगे। भाजपा के खरीद फरोख्त का मामला भी आ रहा है कि खरीद फरोख्त में पूरे देश में आप देख चुके हैं, कर्नाटक में देख चुके हैं, गोवा में देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, खुले रूप से बाजार में सामान बिकता है, उस तरह से खरीद बोली लगाई जा रही है, खरीदी का प्रयास कर रहे हैं, वो सीधा प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।